मैं नया नया एमएलसी हूँ, पहली बार मैं बात कर रहा हूँ और मैं एक छोटा आदमी हूँ। कोई ऐसा बोलने में बड़ी बात नहीं है। मेरी जिंदगी में ड्राइवर था, आज अल्लाह ताला ये मुकाम बना दिया। मैं सदरे मोहतरम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कभी भी मैं ऐसा नहीं समझता कि मैं आज एक बड़ा आदमी बन गया, मैं एक एमएलसी बन गया। नहीं, मैं पब्लिक का आदमी हूँ, पब्लिक के साथ रहता हूँ और जिस तरीके से मुझे जमात काम करो बोली, मैं वैसा काम करता हूँ। कभी मैं आज यहाँ ऐवान में भी बोल रहा हूँ कि मेरी जिंदगी जब तक रही मैं जमात का काम, पब्लिक का काम करूँगा। क्योंकि साहब अल्लाह ताला देख रहा, अल्लाह ताला कोई भी हो, भगवान हो या अल्लाह ताला हो, जो आदमी नीचे से अपनी जिंदगी नहीं भूलता वो तरक्की कर सकता। क्योंकि आज बड़े बन गए, अरे भाई मैं इतना बड़ा आदमी बन गया, वैसा कभी मेरी समझ नहीं है। मैं पूरे तेलंगाना में, तेलंगाना की हुकूमत हो या तेलंगाना की पब्लिक हो, उन सबको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इंसान अपने अखलाक से बड़ा बनता, इंसान अपने अखलाक से बड़ा बनता। ये एमएलए का पोस्ट, एमएलसी का पोस्ट वो तो है, मगर ऊपर वाला भी देख रहा कि मैं इसको एक मुकाम दिया, उस मुकाम को इन्हें किस तरीके से काम कर रहा बोलकर। तो साहब मैं हुकूमत का भी खास तौर पर हमारे केटीआर साहब, परसों जो वार्ड हाफिजों का हर एक डिवीजन में वार्ड हाफिज के लिए लेकर आए थे, तो मैं उस टाइम पर मुझे भी मीटिंग में बुलाए थे, मैं जमात की तरफ से गया। बहुत अच्छा है साहब वो वार्ड हाफिज बनना, मगर कुछ लोग उसको रुकाने के लिए मंसूबा बना रहे कि वो वार्ड हाफिज नहीं बनना बोलकर। तो हमारा भी डिमांड है वो बनने से अच्छा डेवलप होगा और फंड्स भी आएंगे और काम भी होगा। और मैं तमाम यहाँ के जितने मेंबर्स है, हमारे साथी है, उन सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खास तौर पर हमारे चेयरमैन साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और एक चीज साहब, जो फ्लड से जो बारिशें हुए, खास तौर पर इलेक्ट्रिकल का जो स्टाफ था उसमें थोड़ा स्टाफ को बढ़ाने की जरूरत है। बाद जगह बारिश से ट्रांसफार्मर फेल हो गए या बाद जगह 11 kV लाइन ब्रेक हो गई, केबल ब्रेक हो गया, तो वो टाइम पर वो लोग फील्ड पर आकर टाइम पर काम नहीं हो रहा साहब। और बाद जगह श्रीरामपल्ली में जो सब स्टेशन है उसमें पानी भी आ गया था, उस टाइम पर मैं हमारे जमात के सदर मोहतरम को रिपोर्ट दिया। साहब ने आला अहदेदारों से बात कर 24 घंटे लाइट बंद थी साहब। तो आवाम को तेलंगाना में तो बिला रुकावट करंट मिल रहा अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ऐसे वक्त पर जैसा कि सीरियस बारिश पड़ गई, तो उस टाइम पे